से 17 है, कमेंटेटर मजहर खान जुड़ चुके हैं मुझसे। वेलकम मजहर, जिन्होंने अच्छा रंग भरा है पूरे मापोली ट्रॉफी में। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है और पहला धमाकेदार शॉट 6 रन। तो विराट कोहली हमेशा जीत दिलाते हैं, देखना है यहाँ घुड़सई को जीत दिलाते हैं कि नहीं। बैट्समैन अक्षय भुईर, आकाश सोच तो बदल दिया अक्षय ने। इस मरतबा पुल किया है डीप में एक और सिक्सर। क्या कहेंगे मजहर खान, ये सीधे साधे अक्षय नजर नहीं आ रहे हैं। दबाव की स्थिति में इस तरह की बल्लेबाजी वाकई में बहुत बड़े बैट्समैन की निशानी है। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं अक्षय जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो स्थिति थी इस वक्त जय बजरंग घोरसे की, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ी सी उभरती हुई। दो गेंद पर दो सिक्सर लगाए अक्षय ने, इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिक्सर की हैट्रिक पे आ गए, अगर अंजाम देते हैं तो 1000 रुपए इरफान बुढ़े साहब, 777 का चेक फराज ठानवाल और रिस्ट वॉच बिस्मा कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं पलटवार। नीलेश रणवीर ने 14 पारा से ऑल द बेस्ट कहा है जय दुर्गा सुरई को। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए एक और गेंद मैदान के बाहर, सिक्सर का हैट्रिक अक्षय का, 1777 रुपए और रिस्ट वॉच और बड़ी बात के मैच में वापस खींचा है यहाँ पर सुरई को, सॉरी घोड़सई को। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए अक्षय ने और देखिए पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि मैच में वापसी करती हुई जय बजरंग घोड़सई। 7 गेंदे बची और रन अब यहाँ से चाहिए 20। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे अक्षय भोईर। शायद अक्षय ने सोच लिया कि नंबर 1 टीम अगर एक तरफा हार गई तो सवाल या निशान क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यही कारण था कि उन्होंने बाजुओं को खोला है। आप देखिए, आप चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है क्योंकि स्कोर पहुंचा है 27 रन, 20 रन चाहिए बची हुई 7 गेंदे। अब मैच कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल भावे सर, अब कुछ भी हो सकता है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त अक्षय, 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त। ऐसा लग रहा था कि एक तरफा ये मुकाबला चल रहा है लेकिन जैसे ही वहां पर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर आए मैच पूरी तरह से अब गर्म हो चुका है। बिल्कुल, इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है, क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आकाश अक्षय को, इस मरतबा मिस टाइम है लेकिन गेंद नो मैन्स लैंड में, रन नहीं लिया है। डग आउट से इशारा आया कि अक्षय आपको स्ट्राइक लेना है, 1 ओवर और 19 रन। अब एक बात तो है मजहर खान, अक्षय पे प्रेशर कम रहेगा, उनको मालूम है कि वो अनहोनी को होनी में तब्दील कर सकते हैं, उनको मालूम है मैच हारा भी तो ब्लेम उन पे नहीं आएगा। अब गेंदबाज पे दबाव पड़ेगा क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ 6 रन 8 रन बनाना जब रहता है तो बल्लेबाज दबाव में आते हैं, गेंदबाज हावी रहता है, लेकिन जब 15 के ऊपर बनाना रहता है तो गेंदबाज के मन में कुछ ना कुछ हलचल रहती है। जी बिल्कुल भावे सर, सही कहा आपने क्योंकि अब किसी भी तरह का दबाव नहीं, अब यहाँ से जो 6 गेंदे बची उसमें 19 रन बनाने हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त अक्षय, उनके लिए ये काम थोड़ा सा आसान है लेकिन गेंदबाजी के लिए अगर जो गेंदबाज आएंगे उनको ये चाहिए कि अब बैंग ऑन टारगेट करें। बिल्कुल, गेंदबाज तो बैंग ऑन टारगेट जरूर करेंगे चैनल में, लेकिन सोच क्या चल रही है अक्षय के दिमाग में, मानो 7 सफे शिकस्त मानी 8वीं जो कतार थी वो डट के खड़ी रही। यही तो मापोली ट्रॉफी है, इसीलिए तो मैं इसे कहता हूं कि आप देख रहे हैं मापोली क्रिकेट धमाका।
एक प्लस पॉइंट सिर्फ जयदुर्गा सुरे की तरफ जा रहा है कि चेसिंग कंपलसरी है, क्योंकि झिड़के की टीम जो फाइनल में पहुंची उसका कारण था कि मैच बराबरी पे खत्म हुआ था डोंडा वड़ोली से। गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया गेंदबाज अक्षय को। क्या बात है, अक्षय टू अक्षय। अब देखना है कि जयदुर्गा स्पोर्ट्स के अक्षय हावी होते हैं या जेबी स्पोर्ट्स के अक्षय हावी होते हैं। ये मुकाबला अक्षय टू अक्षय हो गया है, और इस तरह का मुकाबला अगर अक्षय कुमार भी देखते तो बीच में फंस जाते। दो अक्षय हैं आमने सामने। अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अक्षय के लिए, चार गेंदों में 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय भुईर। अक्षय पाटिल और अक्षय भुईर आमने सामने। अक्षय पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट अक्षय भुईर के लिए। इस बार दबा के इनको भेज दिया है लॉन्ग ऑन पे छह रन। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मजर खान। देखिए भावे सर, जो भी हो रहा है गोरसे के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय। ये देखिए किस तरह से ऑफ साइड की गेंद को वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था। मुश्किल शॉट, मुश्किल शॉट, क्रीज में पीछे खेल रहे थे और फोर्सिंग स्ट्रोक इतने आसान नहीं रहते हैं। पूरे टूर्नामेंट में अक्षय नहीं चले, वक्त पे ऐसे चल रहे हैं मानो उन्होंने तो अभी धड़कने तेज कर दिए। पांच गेंदों में कितने चाहिए, 13, 3 विकेट हाथ में है। व्हाट अ मैच। अक्षय भुईर बनाम अक्षय पाटिल। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अक्षय भुईर के लिए, फिर उछाल है डाउन दे ग्राउंड छह रन। ओ माय गॉड, दिस इज द क्लेवर बैटिंग। क्या बल्लेबाजी है, ये धमाके जो हो रहे हैं ये मापोली क्रिकेट धमाके के सबसे बड़े धमाके हैं। और मजर खान वाकई में डीजे वाले भी कह रहे हैं अभी तक तो बाजी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कई बार हम देखते हैं कि किनारे पे टीमें डूब जाती है, लेकिन एक बात है कि दो बड़ा सिक्सर के हैट्रिक पे आ गए अक्षय। ऐसे ही कोई नंबर वन टीम थोड़ी बन जाती है। चार गेंदे 7 रन, अक्षय पाटिल को अब दिन में तारे नजर आते हुए। दो ओवर में 40 चाहिए थे, 7 विकेट गिरी थी। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 31। छह गेंदों में 31 रन, धमाका खेज बल्लेबाजी ब्लास्ट करते हुए। अक्षय पाटिल अक्षय भुईर के लिए फुल टॉस, एक और सिक्सर गार्डन में। ₹1777 रुपए दो मरतबा जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर ये मैच उन्होंने अब निकाल दिया तो ये तो ऐसे ही था कि शेर के मुंह से गोश के लोतरे को खींचना था। इम्पॉसिबल, अनहोनी को होनी में बदल दिया। बिल्कुल भाभी सर, इनाम तो कई जीते लेकिन अभी मैच जीतने के लिए एक रन, लेकिन दिलों को जीत लिया यहाँ पर अक्षय ने। yes. सभी के दिलों को जीत लिया जिस तरह की अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल बैटिंग, इनक्रेडिबल। चेसिंग कंपलसरी है, 3 गेंदे 1 रन,
गेंद को खेला, रन आउट करना चाहते थे पहले बाउंस पर। झिड़के के बैट्समैन के साथ, झिड़के के सामने डोंडा वडोली के बैट्समैन ने आखिरी गेंद यही खेली थी, इसी तरह गेंद विकेट कीपर के पास गई थी। व्हाट अ मैच, मैच खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस आंसर टीएनटी गेम। गवली सर आप क्या आए, मापोली ट्रॉफी में तो पहला ही मैच बहुत ही कट टू कट, दो गेंदे अम्ब्रेला फील्ड, पड़ोसी बढ़ गए, डू और डाई। अक्षय सामना कर रहे हैं गेंदबाज अक्षय पाटिल का। अब कई लोग हैं जो अपने एड़ियों पे खड़े रहेंगे, दांतों में उंगलियां दबाएंगे। खेल दिया है, 6 रन, मैच को जीत लिया है जय बजरंग स्पोर्ट घोड़साई ने। अभिनंदन अक्षय एंड अभिनंदन जेबी स्पोर्ट। 8 लाख 8 लाख जय दुर्गा सुराई। यस कांग्रेचुलेशन। अब आपको मैदान खाली करना है प्लीज। मैन ऑफ द